बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4, द सेल ऑफ क्लास एफएससी पार्ट 1। सो टुडे द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन इज एमसीक्यूज विद आंसर्स फ्रॉम पास्ट बोर्ड पेपर्स। आज की लेक्चर वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पास्ट बोर्ड पेपर रिलेटेड हैं शेयर करने जा रही हूँ, सो दैट कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और आप जो है वो इस इंटरेस्टिंग से एक्टिविटी का पार्ट बन जाए, सो दैट कि अगर आपने इस चैनल के थ्रू चैप्टर नंबर 4 के मेरे तमाम प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से लिए होंगे तो आप बहुत एक्टिवली जो है इस इंटरेस्टिंग से एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर्स पता होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन स्लाइड। दिस इज़ द मेन स्लाइड जिसमें हमने कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने। मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ सो दैट के राइट ऑप्शन भी मैं आपके साथ हाईलाइट कर सकूँ। पहली स्टेटमेंट देखते हैं वो ये कि द रेजोल्यूशन ऑफ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, नीचे आप ऑप्शंस देख लें जिनको तो लग रहा है कि 2.0 माइक्रोमीटर है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2.09 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट इज कि सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय, रिमेंबर जब मैंने आपको सेल वॉल वाला टॉपिक पढ़ाया तो मैंने वहाँ एक पॉइंट डिस्कस किया था कि सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो राइट ऑप्शन है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है आपको पता है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ये तमाम जो मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया ये कुछ स्पेशल केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि सेल वॉल की अक्रंस की वजह बनते हैं। सो ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो राइट ऑप्शन है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही सेल वॉल की सिक्रीशन की वजह बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन नेक्ड आई इज, अब जिनको तो लग रहा है 1 mm है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर हम ह्यूमन नेक्ड आई की रेजोल्यूशन पावर की बात करें तो वो 1 mm होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपने रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट का वर्क देखा तो आपने प्रीवियस क्लासेस में बार बार इसका वर्क देखा कि जो रॉबर्ट ब्राउन है वो ऐसा साइंटिस्ट है जिसने हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी दी थी। उसने कहा था कि जो सेल है उसके अंदर एक प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो यही राइट ऑप्शन है कि जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने रिपोर्ट की। नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो देखें पहले उन्होंने वर्क बता दिया, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया, अब उन्होंने साइंटिस्ट का नाम पूछा इस एमसीक्यूज में और वर्क पूछा तो इस हिसाब से भी एमसीक्यूज आ जाता है। आप देख लें तो आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला वॉज हाइपोथाइज बाय, कि ये जो वर्ड्स हैं ये किस साइंटिस्ट के वर्ड्स हैं? स्क्लीडन है, रुडोल्फ विर्चू है, लिवस पैस्टर है या लॉरेंस ओकन है? अगर तो किसी को रुडोल्फ विर्चू लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इसी साइंटिस्ट के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सेल थ्योरी वॉज फाइनली फॉर्मुलेटेड बाय, अब आप याद करें जब मैंने आपको सेल थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ एक दो साइंटिस्ट का जिक्र किया था। अब वो दो साइंटिस्ट क्या कौन है? वर्सन ग्रिक है? नहीं। लॉरेंस ओकन है? नो। लिविस पेस्टर है? नो। जी वो राइट ऑप्शन है स्क्लीडन एंड शिवान। आपको पता है मैंने जब सेल थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि जो स्क्लीडन है शिवान है ये दोनों साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। अब स्क्लीडन आपको पता है बॉटनिस्ट था, शिवान जियोलॉजिस्ट था, इन दोनों ने मिलकर जो है वो सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। नेक्स्ट हम जिसको डिस्कस कर लेते हैं वो ये कि द ऑल द रिलेटेड टू सेकेंडरी सेल वॉल एक्सेप्ट, कहते हैं कि अब एक्चुअली वो पूछना ये चाह रहे हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन के अलावा नीचे ऑप्शन में क्या जो है वो राइट ऑप्शन है। पहला जो क्यूटिन है, सिलिका है, वैक्सीज है, अगर आपको याद हो तो सेल वॉल जब हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि दो सेल वॉल होती हैं, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। अगर हमने सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करनी है तो उसमें हमने देखा था कि क्यूटिन है, सिलिका है, वैक्सीज है, वो उसमें मौजूद होती है। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट क्या चीज़ मौजूद नहीं होती सेकेंडरी सेल वॉल में? सेलुलोज मौजूद नहीं होती। आपको पता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसमें सेलुलोज मौजूद होती है। क्लियर है? सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम और देखते हैं कि क्या है। 9th एमसीक्यू कहते हैं कि जी सेल मेम्ब्रेन हैज 90 to 60%। अब आपको याद हो मैं थोड़ा सा, मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एमसीक्यूज में वो जो टॉपिक जिस रिलेटेड वो एमसीक्यूज पूछे उस टॉपिक के थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। याद करें जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में बात की थी कि जी प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट होती है थोड़ी सी और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आपको ये भी याद है कि जो सेल मेम्ब्रेन उसमें ज़्यादातर अमाउंट जो है वो प्रोटीन्स की मौजूद होती है। तो यही वजह है कि 60 to 80% प्रोटीन्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड जो है वो 40 to 20% है, बहुत ही जो है वो माइनर अमाउंट हमने देखी थी कि कोलेस्ट्रॉल की होती है और इसी तरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। 10th एमसीक्यूज देखते हैं उसमें है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन लिक्विड मटीरियल बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, के ऐसा अमल जिसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लिपिड जो है
लिक्विड मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ग्यूसाइटोसिस बोलते हैं, या पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं? जिनको तो पाइनोसाइटोसिस लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाइनोसाइटोसिस इज द राइट ऑप्शन. क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस की सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर मूवमेंट होती है उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. इसी तरह जो सेल के बाहर की मूवमेंट है उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर कोई चीज़ सेल से बाहर जा रही हो. इसी तरह पाइनोसाइटोसिस जो है वो बिल्कुल फैगोसाइटोसिस ऑपोजिट है, कि वो अगर सॉलिड मटीरियल के अंदर बाहर मूवमेंट है तो पाइनोसाइटोसिस जो है वो लिक्विड मटीरियल के अंदर बाहर मूवमेंट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज के ओमनियस सेलुला, ई सेलुला हमने पीछे भी देखा, वो किन के वर्ड्स हैं? हमने देखा था कि वो जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के है, रुडोल्फ विर्चू है, या लॉरेंस ओकन है. तो रुडोल्फ विर्चू के ये वर्ड्स थे. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज के मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस आर इन नेचर, के अगर हम बात करें सेलुलर सिक्रीशन की नेचर की, तो हमने अभी जितना भी चैप्टर में मैंने आपको सेलुलर सिक्रीशन पढ़ाया, आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सेलुलर सिक्रीशन इज मोस्टली इन प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर, ट्यूबुलिन थी, डिफरेंट हमने प्रोटीन्स नेचर की सिक्रीशंस देखी. तो यही वजह है कि जो प्रोटीन्स है वो राइट ऑप्शन है इस स्टेटमेंट का, क्योंकि जो मोस्ट हम सेलुलर सिक्रीशन की नेचर की बात करें वो प्रोटीन्स इन नेचर होती है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम अपना 13th एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. वो ये कि गोल्जी अपरेटस इज कंसर्न्ड विद सेल. अब कहते हैं कि सेल के अंदर जो गोल्जी अपरेटस मौजूद है, एक्चुअली वो इनडायरेक्टली उनका फंक्शन ही पूछ रहा है कि नीचे क्या फंक्शन है, उन कंसर्न्ड क्या है, क्या फंक्शन है उनका. आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का होता है, उसके साथ साथ इनका काम होता है कि ये स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करवा रहे होते हैं चीज़ों की, सब्सटेंसेस की पैकिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस नहीं है. राइट ऑप्शंस देखें कि इनमें वो क्या कि डिवीजन है, लाइसिस है, स्टोरेज है, सिक्रीशन है. सिक्रीशन भी जो है वो जो है गोल्जी अपरेटस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. लेट अस सो सिक्रीशन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. अ स्ट्रक्चर फाउंड अटैच्ड टू मेम्ब्रेन इन सेल, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेम इट. के ऐसा स्ट्रक्चर बताएं जो कि मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और उसमें टू पार्ट्स होते हैं. राइट ऑप्शन देख लें, गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया. जब आपने ये सारे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो गोल्जी अपरेटस है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें दो फेजेस हमने डिस्कस की थी. फॉर्मिंग फेज होती है, उनकी मैच्योरिंग फेज होती है. क्लियर है? तो 14th एमसीक्यूज का जो है वो ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना 15th एमसीक्यूज. वो ये कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज कॉल्ड, के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी तमाम चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्लास्ट बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. सो प्रोटोप्लास्ट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उनको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं. चलो ये 16th एमसीक्यूज देखते हैं. कहते हैं कि जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं किसी भी सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर का, हम क्या देखते हैं कि उनमें क्या कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं? 9 होती हैं, 3 होती हैं, 6 होती हैं, 11 होती हैं. तो ऑब्वियसली आपने 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डिस्कस किया है जब हमने इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखा था. सो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इज द राइट ऑप्शन. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. उसमें हमने अपना 7th एमसीक्यू डिस्कस करना है. वो ये कि डी ड्यूव एक साइंटिस्ट था, डी ड्यूव भी बोलते हैं, डी ड्यूव डिस्कवर द सेल ऑर्गेनेली. के डी ड्यूव ऐसे साइंटिस्ट है जिसने कौन सी ऑर्गेनेली डिस्कवर की थी? रिमेंबर जब हमने लाइसोसोम का जो है वो ऑर्गेनेली डिस्कस किया था, उसमें हमने डी ड्यूव साइंटिस्ट का नाम डिस्कस किया था, क्योंकि उसने ही लाइसोसोम्स की डिस्कवरी दी थी. ठीक है. नेक्स्ट इज द कि जो टी सेक्स डिजीज रिजल्ट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, कहते हैं कि जो टी सेक्स डिजीज है वो किसकी एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो रिजल्ट होती है? अब आपने हमने जब वो टॉपिक डिस्कस किया था ना लाइसोसोम, उसमें भी हमने कुछ कंटेमिनेटेड डिजीजे लास्ट पर डिस्कस किया, उसमें टी सेक्स डिजीज भी था. तो हमने वहाँ देखा था कि कैसे लिपिड्स की जो है वो एक्यूमुलेशन होती है, तब जो है वो टी सेक्स डिजीज की वजह बनती है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि सिक्रीशन आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म विद इन द सेल. सिक्रीशन ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद. अब कौन सी सेल सिक्रीशन कर रहे होते हैं, उन सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं? कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस, जिनको तो गोल्जी बॉडीज लग रहा है वो तो बस उछल पड़े ना, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. वो ये कि द प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब मैंने याद करें, जब मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रोटीन्स का बताया था कि उसमें क्या प्रोटीन्स है, मैंने कहा था ट्यूब्स और ट्यूबुलिन मिलता जुलता है ना. सो ट्यूबुलिन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ट्यूबुलिन जो है वो ऐसी प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद होती है. चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. वो ये कि जी टी सेक्स डिजीज इज बिकॉज ऑफ सब्सटेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म. अगेन वही कहते हैं कि जो ये वजह बनती है इन डिजीज की, और वो कौन सी, अगेन वो घुमा के पूछा हुआ तो कंफ्यूज ही हो ना, इसीलिए मैंने दोनों एमसीक्यूज ऐड किए, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछी जाती है और ऐसे भी पूछी जा सकती है. तो लिपिड जो है वो इनका राइट ऑप्शन है.
नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं, उसमें भी हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। वो ये कि ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजन, ऐसा ऑर्गेनेली जो सिम्बायोटिक ओरिजन दे रहा होता है उस ऑर्गेनेली को क्या बोलते हैं, और उस ऑर्गेनेली को हम बोलते हैं जी कि वो ऑर्गेनेली सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्या होती है। जिनको तो लग रहा है माइटोकॉन्ड्रिया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टी आर फाउंड इन, क्रिस्टी किस स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। याद करें जब मैंने आपको क्रिस्टी पढ़ाया था, तो आप देखें कि क्रिस्टी के स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मौजूद होता है, क्रोलोप्लास्ट में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होता है। याद करें जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला ऑर्गेनेली पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो इनकी इनर मेम्ब्रेन हमने डिस्कस की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इनवर्ड फोल्डिंग शो कर रही होती है, और उन इनवर्ड फोल्डिंग को हमने बाद में क्रिस्टी का नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं वो ये कि क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन। अब आप याद करें जब हमने डिफरेंट देखा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं, उसमें हमने क्रोमोप्लास्ट देखा था, क्रोलोप्लास्ट देखा था, ल्यूकोप्लास्ट देखा था, हमने कहा था ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देता। इसी तरह हमने क्रोलोप्लास्ट देखा, हमने कहा था जो क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि उनके अंदर क्रोलोफिल मौजूद होता है इसलिए वो ग्रीन कलर देते हैं प्लांट्स को। लेकिन वो क्रोमोप्लास्ट ये कह रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट किसके अलावा कलर देते हैं, कि कौन सा कलर देते हैं और कौन सा नहीं देते, वही पूछ रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन, कि मतलब कौन सा देते हैं और कौन सा नहीं देते, अदर देन पूछ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट वाला हिसाब। तो ग्रीन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ग्रीन कलर तो क्रोलोप्लास्ट इम्पार्ट कर रहा होता है प्लांट में, क्लियर है। नेक्स्ट इज रिथ्रोसाइट्स। अब आपको पता है रिथ्रोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, कहते हैं कि रिथ्रोसाइट्स हैव पोर्स पर न्यूक्लियस। अब आपने हमने प्रीवियस जब अभी रीसेंट लेक्चर देखा था न्यूक्लियस का, उसमें हमने इनके पोर्स का साइज देखा था, कहते हैं कि वो 3000 है, 30000 है, 6 to 8 है, या 3 to 4 होता है। इनको तो लग रहा है 3 to 4 वो बिल्कुल ठीक है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था एमसीक्यूज, मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है क्योंकि पूछा जाता है, मैंने फर्दर भी जो आपके साथ शेयर कर लिया। अब आप थोड़ा सा याद करें जब हमने न्यूक्लियस देखा था, हमने कहा था क्योंकि ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनको वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि वो वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यही वजह है कि उनके जो न्यूक्लियस है, उनके जो अंदर पोर्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, कितने होते हैं 3 to 4। उसके अलावा हमने ये भी देखा था, याद करें जब मैंने आपको कहा था कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है सेल एग सेल्स हो गए, ठीक है, तो एग सेल्स क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड है, कोई उनमें खास प्रॉपर फंक्शन नहीं, उनके बनने के बाद फौरन उनको काम नहीं असाइन कर दिया जाता, यही वजह है कि उनके जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कितने होते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 30000 होते हैं, ठीक है। इसी तरह इथ्रोसाइट जो है वो जो है डिफरेंशिएटेड सेल है, उनमें पोर्स भी कम होते हैं क्योंकि उनमें वर्किंग जो है वो बड़ी उनकी प्रॉपर हो रही होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए आर नोन एज। याद करें जब हमने डिस्कस किया था राइबोसोम्स वाला टॉपिक, तो हमने डिस्कस किया था कि जब राइबोसोम्स अटैचमेंट शो करो, तो उनके हमने अटैचमेंट देखी थी, तो हमने कहा था कि जो राइबोसोम्स हैं जब वो मैसेंजर आरएनए आता है, वो राइबोसोम्स उस मैसेज को रीड करने के साथ जब वो अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं, तो अटैचमेंट शो करने के बाद जब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि लॉन्ग एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने पॉलीसोम बोला था, तो जिसको तो लग रहा है पॉलीसोम्स वो बिल्कुल ठीक है, लाइसोसोम्स तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनेली है। अटैचमेंट मैसेंजर आरएनए के बाद राइबोसोम्स की एक पूरी चेन जो बनाती है उसको हम बोलते हैं पॉली सोम्स, क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं वो ये कि द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इज कंट्रोल्ड बाय। रिमेंबर जब मैंने आपको पॉलीसोम्स वाला टॉपिक ही पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जब मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है उसको रीड किया जाता है बाय राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का जो सब यूनिट्स है उन्होंने अटैच होना होता है, सो कौन सा आइन्स है जो उसको अटैचमेंट जो है दोनों सब यूनिट्स को मैसेंजर आरएनए की चेन पे अटैचमेंट शो करने में हेल्प कर रहा होता था, और कैसे वो पॉलीसोम्स बनते थे, कौन से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्या है। तो जिनको तो लग रहा है मैग्नीशियम आयन वो बिल्कुल ठीक है, वो तो खुशी से झूम उठे क्योंकि उनका ऑप्शन जो उनको लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए हैं। नेक्स्ट देख लें 28th एमसीक्यू, वो ये कि द डायमीटर ऑफ प्रोक्सीसोम इज अप्रॉक्सीमेटली। अब याद करें जब मैंने आपको प्रोक्सीसोम का डायमीटर पढ़ाया था, तो डायमीटर पूछा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली क्या डायमीटर है प्रोक्सीसोम का। देख लें ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन इसके 0.2 माइक्रोमीटर है, 0.3 माइक्रोमीटर है, या 0.4 माइक्रोमीटर है, 0.5 माइक्रोमीटर है, जो भी है। राइट ऑप्शन है कि 0.5 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर होता है प्रोक्सीसोम्स का, बहुत ही स्मॉल इन साइज, मैंने आपको बताया था बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर रखते हैं, बहुत स्मॉल साइज होता है इस ऑर्गेनेली का, क्लियर है।
नेक्स्ट हम अपना एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, वो ये है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन, कि यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स कैसे असेंबल किए जाते हैं, कैसे असेंबल होते हैं। तो कहते हैं कि न्यूक्लियस में असेंबल होते हैं, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में या न्यूक्लियोलस में। अब जिनको तो लग रहा है न्यूक्लियोलस वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स हैं उनकी सिंथेसिस ही न्यूक्लियोलस करवा रहा है। आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस वहाँ सिंथेसाइज कर रहा होता है राइबोसोम्स को, और फिर सिंथेसाइज करने के बाद न्यूक्लियर पोर्स के बाद से होते हुए वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बन रहे होते हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द फ्लूइड दैट सराउंड्स द थैलाकॉइड इज, के वो फ्लूइड जो थैलाकॉइड को सराउंड कर रहा है। याद करें जब मैंने आपको थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें हमने देखा था कि उनके इर्द गिर्द डिफरेंट जो है वो लिक्विड लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया था, स्ट्रोमा का नाम, मीडियम, साइटोप्लाज्म क्या नाम दिया था। जिनको तो लग रहा है स्ट्रोमा, वो तो बिल्कुल ही खुशी से वाकई छलांगे मारे, क्योंकि बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, स्ट्रोमा ही था। जब हमने कहा था कि डिफरेंट थैलाकॉइड जो है वो अरेंज करके एक स्पेसिफिक ग्रैनम बनाते हैं और वो इंटर ग्रैनम से कनेक्टेड होते हैं, याद करें वो स्ट्रक्चर सारा। तो उनके दरमियान जो सराउंड किया होता है उन थैलाकॉइड्स को, जिस फ्लूड ने, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। आई होप आपको इन तमाम एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इस पूरे चैप्टर को छान मारूं और उनसे जितने भी आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सके वो शेयर करूं, ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। सो अगर आपको वाकई ये वीडियो हेल्पफुल लगी, सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे डिटेल से, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।